नमस्ते दोस्तों हम ले करके आ गए हैं सेकंड पारी का पेपर सी टेट का सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता लेकिन हमें उससे मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे से अच्छा प्रजेंटेशन करने का मौका मिलता ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों में आसानी हो तो दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं चलिए हम पेपर शुरू करते हैं केला सांखला संबंधित थे काले हिरण संरक्षण से सांप संरक्षण से विष्णुई जाति से बाघ संरक्षण से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ संरक्षण ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है आठवा चौबीसवा सत्ताईसवा बारहवा करेक्ट आंसर होगा आठवा ऑप्शन ए फैटी यकृत होता है पेलेग्राम में, सूखा रोग में क्वाशी कर में इसका में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वासी और कर अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था बी बी लाल बी एन थी एस बाण बाकणकर एच डी साखलिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार कीर्तिपाल एच डी सांखलिया ऑप्शन डी एक सौ एक का घनफल है एक सौ एक का घनफल एक सौ एक को तीन बार गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आएगा हमारा एक ऑप्शन सी एक सौ तीन जीरो तीन जीरो एक एक की के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी करौली जयपुर जोधपुर उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए दोस्तों आ गया अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की कड़ी है हमिंगबर्ड गुआनो किंगफिशर का वोतर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुआनो पक्षी नेक्स्ट यदि एक लंबतीय शंकु का आयतन 16 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है उसके आधार का ब्यास क्या होगा इसको निकालना आसान है दोस्तों लंबड़तीय वेलन का दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वाच यहाँ देखो पाई आर स्क्वाच अगर हम इसमें तीन का भाग दे देते हैं या एक बटा तीन से गुणा कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा लंबड़तीय शंकु का आयतन और ये आयतन कितना सोलह अब यहाँ पर मान रख दो ऊंचाई का मान रख दो और त्रिज्या का मान रख दो तो इसके आधार का ब्यास क्या होगा तो यहाँ पे हमें एच का मान रख देंगे सोलह और रखने पर इनको अभी मैं इसको सोल्व करके दिखाई देता हूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा चार मीटर अगला क्वेश्चन है चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है किसी पदार्थ से रंग निकालना यानी विरंजन करना कहलाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दोस्तों यहाँ पर जो ये आयतन दे रखा है आयतन ये है सोला पाई सोला पाई है तब जा कर के सोला पाई मीटर स्क्वायर तब ये आंसर आएगा चार तो ये मिस प्रिंट हो गई थी इसका थोड़ा इसके लिए क्षमा चाहते हैं चलिए हम अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है बहरूपिया नौटंकी फल तमाशा करेक्ट आंसर हो जाएगा बहरूपिया ऑप्शन ए किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु तो उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है कहीं पर भी यानी कहीं भी रख दो उसका प्रतिबिंब ऐसा प्राप्त होता है तो कौन से सामने रख सकते हैं अवतल या उत्तल उत्तल अवतल, समतल तो कौन से दर्पण के सामने रख सकते हैं तो मैं जानकारी के लिए इतना बता दूं कि उत्तल उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों के प्रतिबिंब समान बनते हैं तो जो उत्तल इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब छोटा बनेगा आवासी बनेगा सीधा बनेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे एम डी कोरानी आई डी दुआ के पी यू मैनन के एस सिद्धू करेक्ट आंसर हो जाएगा आई डी दुआ ऑप्शन बी दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें चलिए अचलगढ़ अच्छा दुर्ग कहाँ स्थित है अलवर अजमेर जालौर माउंट आबू करेक्ट आंसर होगा माउंट आबू ऑप्शन डी अगला छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के बीच बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच ऑप्शन ए दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ हम आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर की उपलब्ध कराएंगे निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए तो इसको मिला कर के देखो रीजनिंग का सवाल है कैसे सॉल्व करोगे चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं एफ आएगा अगला सवाल यहाँ पे एफ एक मिनट थोड़ा कलर ज़्यादा है तो यहाँ पे एफ आएगा ऑप्शन ए एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल पच्चीस अंडर रूट तीन सेमी स्क्वायर है तब इसका परिमाप होगा साठ सेमी तीस सेमी पचास सेमी पचास ए बराबर अंडर रूट तीन सेमी पचास में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीस सेंटीमीटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव से अप्रत्यक्ष चुनाव से नामांकन से तो इसमें सही ऑप्शन का चेन करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए सबसे अच्छा स्रोत है खैर सागवान धोकड़ा सालर तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों सालर ऑप्शन डी दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा विधान परिषद में सदस्यों को चुनाव किया जाता है तो ये होगा अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन से नेक्स्ट है वृक्षों में से हमने ही दिया अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजू बंद आभूषण कहाँ पहना जाता है कमर छाती भुजा टखना करेक्ट आंसर होगा भुजा ऑप्शन सी अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है रणछोड़ भट्ट जीवाधर जगजीवन भट्ट सदाशिव भट्ट तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रणछोड़ भट्ट क्वेश्चन है सुनहरे चावल का उत्पादन लोगों में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है मैग्नीशियम विटामिन बी टू विटामिन ए फॉलिक एसिड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सुनहरे चावल का उत्पादन किया जाता है उपयोग किया जाता है सूखे की प्रक्रिया में अगला क्वेश्चन है सूखे की प्रक्रिया में जिसमें कार्बोनेट डाइक्स को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जो गर्म किया जाता है उसको निस्तापन कहते हैं ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है डी और आर की शर्करा में अंतर बताना है डी और आर की सरकरा में अंतर बताना है तो मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ डिओक्शीराइवो सर्करा का ये डी ओक्शी सरकरा का चित्र है एक मिनट थोड़ा ठीक है तो डी ओक्शी सरकरा का चित्र है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ डी ओक्शी रायपुर सरकरा का चित्र है तो इधर ओ एच इधर ओ एच और इधर सी एच टू एक दो तो जो डी ऑक्सी राइबो सरकर आए इसके दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होती और जबकि आरएनए ए के दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन पाई जाती है यानी कि डी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन नहीं पाई जाती डी मतलब नहीं तो ऑप्शन दो करेक्ट आंसर होगा कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है जड़ूला बिंदौली मौसर शामिल तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ूला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब प्रश्न है आठ क्रमागत पूर्णांकों का औसत तेईस बटे दो है तो प्रथम तीन पूर्णांकों का औसत क्या होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो लगातार संख्याएं होती है तो उनकी जो मध्य का अंक होते हैं मध्य की संख्या वही उसका औसत होती है तो आप देख लो कि जो आठ क्रमागत संख्याएं हैं और तेईस बटे दो है तो तेईस बटे दो कौन सी दो संख्याओं के बीच की संख्या है तो मैं आपको बता दूं कि इसका भाग दे देते हैं तो साढ़े ग्यारह आता है यानी कि ग्यारह और बारह के बीच की संख्या है यानी इसका औसत आता है तभी तो कहता है प्रथम तीन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो तो यहाँ पे तो तो हमें टोटल संख्या कितनी लेनी थी आठ आठ लेनी थी तो दो संख्या तो ये आ गई फिर एक दो तीन इधर ले लेंगे और फिर एक दो तीन इधर ले लेंगे तो तीन संख्या कौन कौन सी चीजें ये तो हमने ले ली तो ये होगी दस ये नौ और ये आठ तो हमने बताया कि जो लगातार संख्या होती है उनकी जो बीच की संख्या होती है वही उसका औसत होती है तो यहाँ प्रथम तीन की पूछ रहा है तो प्रथम तीन के बीचों बीच की संख्या कौन सी है नौ है तो नौ ही इन प्रथम दो संख्याओं का औसत होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस तरह से निकालते हैं समझ में आया होगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बाजूबंद आभूषण पहना जाता है कमर में छाती में भुजा में टकना में तो नाम से ही पता चल रहा बाजू बाजू में भुजा तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अमर अमर काव्य बंसावली का लेखक कौन है रणछोड़ भट्ट जीवाधर जगजीवन भट्ट सदाशिव भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा रण छोड़ भट्ट ऑप्शन ए चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टेंडर्स शुड वी रिटर्न इन ए लैंग्वे दैट इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है सोलह सेमी व बारह सेमी भुजा वाले किसी आयत के परित एक व्रत खींचा गया है तो व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्ट तो उत्तर नहीं दे सकते तो ये तो हल करना पड़ेगा तो चलिए हम हल करते हैं ये हमने व्रत खे वो वर्ग खींच लिया वो आयत ये बारह सेमी और ये छः सेमी अब इधर व्रत खींचेंगे तो ये तो ये ब्यास हो जाएगा उसका तो यहाँ लेंगे त्रिज्या आ जाएगी तो क्या करेंगे ये कर्ण बन जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे करने के बाद में कितना आ जाएगा एक सौ चम्बालिस दो सौ छप्पन एक सौ चम्बालिस दो सौ छप्पन को जोड़ देंगे जोड़ने के बाद में चार सौ आ जाएगा और चार सौ को हम क्या कर देंगे फिर रूड कर देंगे रूड करने के बाद में हमारे पास में बीस आ जाएगा बीस ये आ जाएगा इसका ब्यास और ब्यास का आधा कर देंगे तो दस सेमी क्या आ जाएगी हमारी त्रिज्या आ जाएगी और जब त्रिज्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं व्रत की क्षेत्रफल याद कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर तो पाई कितना है पाई तो ये है आर स्क्वायर दस का वर्ग कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा पाई टेन सेमी स्क्वायर यानी कि हंड्रेड तो हंड्रेड कहाँ है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों हमारे साथ है बने रहिए आपको बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी गलत बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है जयपुर भीलवाड़ा भरतपुर नीमराणा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में बिस्किट फैक्ट्री नीमराणा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा नीम राणा में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा नीम राणा शेष ज्ञात करने के लिए एम एस में कौन सा फंक्शन प्रयोग करते हैं कंप्यूटर से है ऑप्शन सी एम ओ डी निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो अक्षांशीय विस्तार सीधा याद रखना तेईस डिग्री तीन डैश उत्तरी अक्षांश से लेकर के तीस डिग्री बारह डैश उत्तरी अक्षांश तक कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन वी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल चलिए अगला क्वेश्चन की ओर सोलह नवंबर दो हज़ार बाईस को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विधि विश्वविद्यालय यानी कानून विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी किशनगढ़ अलवर जोधपुर बगरू करेक्ट आंसर हो जाएगा बगरू बगरू में आधारशिला कानून विश्वविद्यालय की बगरू पुरुषवाचक सर्वनाम है कोई जिसका हम कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं स्टार्टअप संस्थापक फुटपाथ विक्रेता महिला व्यापारी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रमिक परिवार की लड़कियां और महिलाएं शुभ शक्ति योजना का लाभ लेती हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल चलिए शीघ्रता से आ जाओ 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस ऑप्शन सी कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है निजी क्षेत्र द्वारा विक्रम एस लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है लिथियम डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय चलिए दोस्तों आपके सामने आ गया अगला प्रश्न आपदा मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्य बताओ करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं ऑप्शन बोल देता हूँ आलोचना के योग्य पैर से सिर तक मस्तक झुकाने वाला क्षण भर में नष्ट होने वाला करेक्ट आंसर होगा पैर से सिर तक ऑप्शन वी। ह्यूमेटाइट ऑर्थाइटिस एक रोग है कौन सा रोग है कब की है स्वय प्रतिरक्षित अति संवेदी जीवाणविक तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बी स्वय्रतिरक्षित माही कंचन और माही धवला किस फसल की किस्म है चना बाजरा ज्वार मक्का करेक्ट आंसर होगा मक्का ऑप्शन डी सीधा आँख मीच के टिक लगा दो दोस्तों आगे आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न इंग्लिश से चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही टुक इज द जॉ ऑफ ओवर बिनेथ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबो ओवर द जॉब ही टुक एज ओवर द जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली वह राज्य के मुख्यमंत्री कौन से नंबर के थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन तैतीसवें नंबर के थे अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया अठारह नवंबर दो हज़ार बाईस पंद्रह अगस्त दो हज़ार बाईस नौ सितंबर दो हज़ार बाईस आठ नवम्बर दो हज़ार बाईस करेक्ट आंसर होगा सी नौ सितंबर दो हज़ार बाईस गोविंडी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है कहाँ पे स्थित है मुंबई बेंगलुरु कोलकाता चेन्नई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोस्तों इसको सभी कोई जानते हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते चलिए अगला प्रश्न है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ जयपुर सवाई माधोपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कार्ती निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र जहां यू प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी है बी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है एफ प्रकाशित केंद्र से फोकस की दूरी है तो इसमें लेंस सूत्र बना बताना है तो लेंस सूत्र होता है एक बटे एफ एक मिनट इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बटे एफ़ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटा यू तो ये है लेंस सूत्र तो इसमें ये वाला सही रहेगा इसमें माइनस का चिन्ह आएगा तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए आ आ गया आ गया आ गया राजस्थान जीके और संविधान संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद दो सौ अनुच्छेद दो सौ छप्पन अनुच्छेद दो सौ सत्तावन अनुच्छेद दो सौ तेरह करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद दो सौ ऑप्शन ए प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है अलवर मेवाड़ मारवाड़ ढूँढाण तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ से संबंधित है ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बी लॉकअप फंक्शन कार्य करता है मिली नहीं मिलने जुलने वाले रिकॉर्ड ढूंढता है मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है वह शब्द ढूंढता है जिसमें वी है दो सेल्स को एक दम समान के लिए देखता है करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलती जुलती रिकॉर्ड ढूंढने में ऑप्शन करेक्ट आंसर वी भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया पद्म विभूषण परमवीर चक्र ऑप्शन देखो पद्म भूषण अशोक चक्र तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा है पद्म विभूषण ऑप्शन ए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन होकर चल आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न संचय आवृत्ति वक्र से माध्य प्राप्त कीजिए तो इसका बोनस अंक दिया जाएगा ठीक है तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बने रहिए किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है तिमिर प्रकाश बंधन मुक्ति गौरव लाघव आदि प्रारंभ जो आदि होता है वही प्रारंभ होता है तो ऑप्शन डी करेक्ट सब का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा सहायक वरिष्ठ श्रेणी अधीनस्थ विनीत करेक्ट होगा अधीनस्थ ऑप्शन सी इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है इनपुट आउटपुट इकाई पेरिफेरल यूपीएस सीपीयू करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी सीपीयू अगला क्वेश्चन मैथ का है चलिए चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों का अवलमन कौन साठ डिग्री तथा तीस डिग्री है नावों के मध्य की दूरी क्या है यदि नावें चट्टान के विपरीत दिशा में है तो, तो साथियों मैं इसका आपको आंसर बता दूंगा इतना टाइम नहीं है बताने के लिए तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सौ अंडर तीन मीटर और राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियामेट्रिक एंड न्यू नेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जा रही है जे मेडिकल कॉलेज अजमेर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा साथियों अगले वीडियो के चलते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज होगा बिसम भाव समकौण सम दिभा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम दिभा दो भुजाएं समान होगी अगला विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है उस नदी का नाम बताना है ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा सिंधु गोदावरी करेक्ट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र अनुपात चार अनुपात पाँच के प्रतीक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात पाँच अनुपात छः के बराबर हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इसमें एक जोड़ेंगे इसमें एक जोड़ेंगे तो पाँच अनुपात छः हो जाएगा जोड़ने की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो यहाँ आपके सामने है एक पॉइम है पॉइंट को पढ़ करके आंसर देना है तो चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं सीधे व्हाट डज़ द वॉर्म सिम्बोलाइज हेयर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं आंसर बता दें डेथ एंड डे के आप पढ़ लेना इनको ठीक है ओके अब हम अगले और चलते हैं चलिए दोस्तों राजस्थान जी की ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूंडा का क्या कार्य है गाँवों में बिजली उपलब्ध कराना कृषि का विकास करना गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना शिक्षा का विकास करना तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर चलिए हमारा अगला प्रश्न स्टार्ट होता है एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है मृदा प्रकाश जल वायु करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश दाल चीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है फूल जड़ छाल पत्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा छाल से मिलती है दालचीनी प्रतिहार शासक के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुबल माल की रचना हुई किस शासन शासनकाल में हुई थी जल्दी से बताओ महेंद्रपाल प्रथम बत्सराज रामभद्र मिर्भोज करेक्ट आंसर हो जाएगा बत्सराज बत्सराज के शासनकाल में हुई थी हरिवंश पुराण और कुबले माल की रचना आयरन फाइव प्लस आयन की संरचना है दोस्तों ये आयन है तो आयन की संरचना कैसी हो पंचकोणीय त्रिकोणीय द्वीप प्रेमणीय वर्ग प्रेमडीय अष्टफल की है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग प्रेमेडीय साइंस का क्वेश्चन है याद रखना चलिए अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका अपने स्क्रीन पर एक कार्य को आदेश की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है मेंटेनेंस यानी रख रखाव सिस्टम डिजाइन सिस्टम विश्लेषण यानी एनालिसिस कोडिंग तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडिंग डी यानी कोडिंग एक कार्य को आदेश की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है अगला क्वेश्चन एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पंद्रह वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में आठ गुनी हो जाएगी साथियों पिछला जो क्वेश्चन पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का उसमें पूछा था साधारण ब्याज का अब यहाँ चक्रवर्ती ब्याज का पूछ लिया बिल्कुल सेम टू सेम सेंट पैटर्न है खाली इसमें एक चीज़ बदल दी है चक्रवर्ती ब्याज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंतालीस आएगा हल हल करोगे तो पैंतालीस हो क्वेश्चन में आपको उत्तर पैंतालीस मिलेगा ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल चलिए क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पैसिव कंस्ट्रक्शन तो एवरी वन कॉल ही मे पेस मेकर तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ही इज़ कॉल्ड ए पेस मेकर अब यहाँ हमें लुप्त संख्या बतानी है चलिए इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो लुप्त संख्या क्या आएगी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौबीस आएगा इसमें चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए एन के किस मान के लिए एक्स प्लस ए दूसरी संख्या एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन का एक गुणनखंड होगा एन के केवल मानों के लिए एन के सभी मानों के लिए एन के केवल अभाज्य मानों के लिए एन के केवल सम मानों के लिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि एन के विषम मानों के लिए किस शब्द में समा संबंधी अशुद्धि है अहोरात्र नवरात्रि चक्रपाणी योगीराज तो इसका करेक्ट ही हो जाएगा योगी राज अगले क्वेश्चन की ओर चल निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वर्षा का समान वितरण तापमान समुद्र से दूरी प्रचलित पवने करेक्ट आंसर वर्षा का समान वितरण ऑप्शन ए चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है हड़प्पा आधारित हड़प्पा आधारित राखी में लोथल में कालीबंगा में बन बाली में करेक्ट आंसर हो जाएगा राखी में राखी में बनने जा रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सर्कुलर नोटिस परिपत्र सूचना परिक्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपत्र ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन की ओर एक शहर की जनसंख्या एक करोड़ है यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या पचासी हज़ार है तब दर होगी तो दर का सूत्र होता जीवित जन्मों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा एक हज़ार तो इसको हम हल करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्र में रखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है तो स्लाइड को हटाने के लिए बर्ड आर्ट जोड़ने के लिए स्पेशल चेक करने के लिए क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लिप आर्ट पिक्चर जोड़ने के लिए चलिए अगला यदि कूट ए देखो सातवीं क्वेश्चन नंबर सोलह है इसका बाउंस दिया जाएगा बाउंस सत्रह क्वेश्चन देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा राजस्थान गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति विधानसभा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता अगला भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है शून्यकाल का आशय बताना है बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई सदस्य किसी विषय पर प्रश्न उठाते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से ही पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है नियतात्मक ओपन क्लोज संभावित करेक्ट आंसर हो जाएगा नियतात्मक अगला क्वेश्चन कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है आणविक कैंची तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटने का काम करता है ऑप्शन ए चलिए अगला चलिए राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्र करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में समन्वय करना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह कार्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का नहीं है तो नहीं जरूर याद रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है यानी कि महाराव शेखाजी सशस्त्र अकादमी का, का निर्माण कहाँ हो रहा है कौन से जिले में गंगानगर बीकानेर चूरू सीकर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीकर जिले में चल रहा है इसका निर्माण ए तथा बी की मासिक आय में चार अनुपात तीन का अनुपात है यानि जो आय का अनुपात चार अनुपात तीन है दोनों में से प्रत्येक छः सौ रुपये बचाता है यानि बचाता है छः सौ रुपये प्रत्येक यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात तीन अनुपात दो हो तो बी की मासिक आय क्या होगी तो बी की मासिक आय ज्ञात करनी है तो दोस्तों अगर हम आय में से खर्च को घटा देते हैं तो उसकी बचत तो बच जाती है यानी कि चार में से हम चार में से हम तीन को घटा देते हैं या तीन में से हम दो को घटा देते हैं तो हमारी क्या बच जाएगी बचत तो बच जाएगी तो एक बराबर कितनी छः सौ है तो तीन बराबर कितनी हो जाएगी तो तीन छा अट्ठारह तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना वीडियो को लाइक करना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर तुरताई माता तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा यानी बांसवाड़ा जिले में है उन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है आबरी माता गजलक्ष्मी महाकाली त्रिपुरा सुंदरी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य आहा क्या बात है कथकली ओडिसी भरतनाट्यम तो करेक्ट आंसर हो गया कथक अठारह के विद्रोह के समय भीम जी चारण को किस रावत यानी कि सामंत ने शरण दी थी इनमें से कोई नहीं केसरी सिंह जोध सिंह रणजीत सिंह तो ऑप्शन आ जाएगा सी जोध सिंह बने रहो हमारे साथ आपको हम चलिए दोस्तों आ जाइए मैथ का क्वेश्चन है बहुत आसान है दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा बस एक मिनट सेकंड में यदि एक व्यक्ति रुपये ग्यारह रुपये दस के ग्यारह पेन की दर से पेन खरीदता है यानी कि दस रुपये में ग्यारह पेन खरीदता है तथा इन्हें ग्यारह रुपये के ग्यारह रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा तो यहाँ हमें प्रतिशत की बात कर रहा है तो इसलिए हम इसको आसानी से हल कर देंगे तो सबसे पहले हम एक पेन की कीमत निकाल लेंगी कितने में ख़रीदा तो यानी दस बटे ग्यारह रुपये में ख़रीद लिया बेचा कितने में एक पेन को ग्यारह बटे एक मिनट ग्यारह बटे दस रुपये में बेच दिया तो इसका हम लाभ निकाल लेंगे आराम से लाभ निकल के आ जाएगा इक्कीस बटे एक सौ दस अब प्रतिशत निकालना होता है तो लाभ के ऊपर क्या करते हैं लाभ को हम और क्रय मूल्य का भाग देते थे क्रय मूल्य कितना है हमारा दस बटा ग्यारह और गुणा सौ ये प्रतिशत निकल जाएगा अब यहाँ देखो ये, ये दो जीरो है दो जीरो दो ज़ीरो कट गई और ग्यारह से ग्यारह कट जाएगा बचा क्या है इकतीस इक्कीस तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन एक इक्कीस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं राजस्थान के ज़िले में कितने जिले मरुस्थलीय हैं तेरह दस ग्यारह बारह तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्यारह जिले विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों को कहते हैं एलिल समयुग्म जीन प्रारूप विषमयुग्ममज तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषमयुग्मज एलिल क्या होता है तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर एलिल होता है युग्म विकल्पी को एलिल कहते हैं तो यहाँ विपरीत लक्षणों के जोड़े को हम विषम युग्मज कहते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन सात से आठ अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया कोटा जोधपुर बीकानेर जयपुर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है नंदा देवी मकालू धोलागिरी नंगा पर्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा मकालू चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अंग्रेजी का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इनकरेज क्यूरेज persuade, डिस्करेज इन साइट तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिसक्रेज इनकरेज का डिस्करेज हो जाएगा थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है डांड मरुस्थल में पलाया नखलिस्तान चंद्राकार बालुका स्तूप में गर्त और उत्सुत बेसिन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तूप में गर्त बालू का स्तूप की गर्त है चंद्राकार उनको डांड के नाम से जाना जाता है चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बी पटेल एच कुंजरू के पानीकर फजल अली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फजल अली अब ये मैथ का क्वेश्चन है यदि लॉग सत्ताईस एक्स बराबर एक बटे छः तब के बराबर होगा तो दोस्तों इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे हल करते हैं तो देखो लॉग फॉर्मूला है लॉग ए एक की घात एक्स बराबर के तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग हटाएंगे तो लॉग हटाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम एक मिनट देखो तो जो ए पर घात आ जाए ये संख्या इधर चले जाए कि और इधर की जो ऊपर घात है वो सामने बराबर हो जाए इस तरह से लिख देते हैं इनको लॉग हट जाएगा इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हम बताते हैं देखो लॉग लॉग सत्ताईस एक्स एक्स बराबर एक बटा छः अब इसको हम लिख सकते हैं सत्ताईस ये इधर आ जाएगा तो एक बटा छः हो जाएगा ये बराबर एक्स इधर चल जाएगा अब इसको हल कर देंगे तो हल करने के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा अंडर उड तीन बज जाएगा इसको हल करें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन इसका हमें ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना है वूमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन यानी कि औरतें अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं पुरुषों से तो औरतें पुरुषों से जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं ऑप्शन सी में मिल गया अगला जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर कहलाती है यानी किस दर से हम भेजते हैं तो बिट रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट रेट ऑप्शन सी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विच्छेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है तो जिसकी तरंग धैर्य सबसे कम होगी वो ही ज़्यादा विचलित होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी रंग बैनिया है पीना ला अगला आग्नेय चट्टाने जालौर में पाई जाती है कौन सी पाई जाती है ग्रेबो ग्रेनाइट रायलाइट बेसाल्ट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायलो ग्रेनाइट कहाँ पे है दो तीन ऑप्शन सी चलिए अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय क्या कहलाता है प्रोसेसिंग चक्र डेटा स्पीड क्लॉक स्पीड स्पोर्ड टाइम करेक्ट होगा टाइम ऑप्शन डी फेमिना मिसिस्टेंट फेमिना मिस इंडिया दो हज़ार बाईस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता रनअप रही यानी कि जारी रही दो हज़ार बाईस में फेमिना मिसिस्टेंट मिस इंडिया में रूबल शेखावत कनिका सिंह यामिकी सेन और सीनी सेट्टी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूबल शेखावत ऑप्शन ए गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है पिछले में पूछा था कि सांपों के देवता गोगा जी इस बार पूछ लिया सेकंड में जन्म स्थान तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी ददरेवा चलिए शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है कंकरीली सक्री पट्टी काकर भावर तराई भागर ऑप्शन बी भागर के भावर के नाम से जानी जाती है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीटेड फॉर द गिवन सेंटेंस टेपरियोड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक तो इसका हो जाएगा डॉटेज ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है तो दो, दोस्तों खाता है क्रिया है आम आम को खा रहा है ना आम नष्ट हो रहा है मतलब कि सकर्मक तो ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया हो गई राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण है अनियमित वर्षा वनों की कटाई जल का अविवेकपूर्ण पूर्ण उपयोग भूमि का कटाव, तो इनमें सबसे उपयुक्त तो रहेगा अनियमित वर्षा मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है एक सौ पचास दिन सौ दिन एक सौ बीस दिन तो सब जानते हैं सौ दिन का रोजगार गारंटी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में अड़सठवीं नेहरू ट्रॉफी बोट या नौका रेस आयोजित की गई आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल कर्नाटका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल ऑप्शन सी चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों इसमें उत्तर की पहचान करनी है तो यहाँ देखिए छः कोण है इसमें इसमें पाँच कोण हो गए और दो बाहर की तरफ आ गए इसी तरह से यहाँ देखते चार और अंदर है तो यहाँ तीन कोण हो जाएंगे और दो बाहर की तरफ आ जाएंगे त्रिभुज में तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यानी कंट्रोल पर सबाई का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में कंट्रोल पर सबाई का उपयोग कब किया जाता है दस्तावेजों को यानी कि अंतिम क्रिया को रिपीट या रिड्यूस करने के लिए किया जाता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है अनुस्मारक निविदा परिपत्र अधिसूचना करेक्ट आंसर होगा अधिसूचना ऑप्शन डी कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक दाता है जो देता है ओ नेगेटिव होगा यानी ने ओ नेगेटिव को मतलब कोई सा भी इस पर एंटीबॉडी एंटीजन नहीं है नेगेटिव का को मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साइंस से क्वेश्चन डायमंड है डायमंड एक कार्बन का अपर रूप है ऑप्शन वी करेक्ट नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर जाती है ये देखो नेहा जाएगी ये रहा ये पश्चिम की ओर चल रही नेहा कितनी चली पाँच किलोमीटर तो पाँच चल दी तब है दाई और मुड़कर ये दाई और मुड़ चुकी है और चार किलोमीटर चल दी ये चार किलोमीटर चल गई पुनः दाई और मुड़ेगी तो पुनः दाई और मुड़कर कर पाँच किलोमीटर चलेगी ये पाँच किलोमीटर चल दी वह दिशा में जाती अब वह कौन सी दिशा में है तो यहाँ देखो स्कूल था ये पश्चिम में गई थी तो ये उत्तर दिशा हो गई तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर दिशा आर एच कारक है जो कि सतह पर पाया जाता है तो आर एच कारक यानी जो प्रतिजन होता है ये आर बी सी पर पाया जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए हिंदी का प्रश्न आ चुका है किस शब्द में भाववाचक संख्या है भाव मित्रता गाय होली हिमालय तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मित्रता ऑप्शन ए अगला प्रश्न निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया है रणथंबोर जयगढ़ हवा महल कुंभलगढ़ करेक्ट है कुंभलगढ़ ऑप्शन डी कौन सा एक युगम गलत सुमिलित है सिंहथल हरिवंश जी रैन दरियाबजी जी शाहपुरा रामचरण जी खेड़ापा रामदास जी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंघला हरिवंश जी से संबंधित नहीं है बाकी सब सुमिलित है चलिए आगे चलते हैं चलिए गणित का प्रश्न आ चुका है एक लीटर का कितना प्रतिशत दो सौ होगा तो सबसे पहले तो राशियों को समान करना होता है तो एक लीटर का पहले तो हम हजार एम करेंगे हजार एम अब इसका परसेंट निकाल देंगे तो दो सौ बटे हज़ार गुणा सौ यानी कि बीस परसेंट ऑप्शन डी आ जाएगा कौन सा शब्द शुद्ध है ओदार्य ऐश्वर्य कोतन्य गुरुता तो इसमें गुरुदा होगा गुरुता ऑप्शन डी सही होगा कंप्यूटर का प्रश्न है कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है आउटलाइन व्यू स्लाइड शो व्यू स्लाइड व्यू प्रजेंटेशन व्यू तो इसका करेक्ट आंसर होगा आउटलाइन व्यू ऑप्शन ए उदाहरण दे रखा बी ए सी एल टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर इजगल टू एन ए सी एल प्लस वी ए एस ओ फोर तो यह अभिक्रिया कौन सी है तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसे अंडरवुड का मान निकालना है तो इसका मान आएगा आठ सेवन नाइन ऑप्शन बी करेक्ट होगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई बलवंत सिंह मेहता नैनूराम शर्मा कपूरचंद पाटनी जमुना लाल बजाज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बलवंत सिंह मेहता कौन सा अन्य से भिन्न है वर्ग शंकु व्रत त्रिभुज तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी शंकु सही होगा क्योंकि वर्ग व्रत त्रिभुज इन तीनों को कागज़ पे बना सकते हैं और इनको हाथ में नहीं ले सकते लेकिन शंकु को हम आकृति दे सकते हैं हाथ में ले सकते हैं भर सकते हैं चलिए अगला हिमालय से संबंधित श्रृंखला है पीर पंजाल धौलाधार महाभारत सारे सारे ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की इंग्लिश का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन द टीचर थॉट अस दैट द अर्थ राउंड इज आएगा इसमें करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन दस्त के लिए उत्तरदायी है ईकोलाई जीवाणु होता है इस पर कौन सा साबिस पाया जाता है तो दिस इज ए ग्राम नेगेटिव जीवाणु ऑप्शन सी राजस्थान के कितनों जिलों में जनजाति क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है बारह छः दस आठ करेक्ट आंसर हो जाएगा आठ ऑप्शन सी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भू स्थिर उपग्रह घूमता है ऊंचाई जो द्रव्यमान पर निर्भर हो निर्भर हो किसी भी ऊंचाई पर स्थिर ऊंचाई पर ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर तो ये घूमता है स्थिर ऊंचाई पर ऑप्शन सी नेक्स्ट एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिग्नेचर तो कोई सा भी हम कार्य करते हैं तो एंड किससे करते सिग्नेचर से गोवा में आयोजित एफएफआई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे भारत का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया मनोज वाजपेयी हेमा मालिनी चिरंजीवी प्रसून जोशी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिरंजीवी अगला चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सी सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सीलिंग द हाउस वट वी हैव डिसाइड नोट टू तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ ऑप्शन सी आएगा सी सेट दैट दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सीलिंग द हाउस वट हैड डिसाइडेड नोट टू चलिए नेक्स्ट पेज की और फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट डिटरमाइन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो पेन विल डू इनफ मैनी मच एनी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी पेन विल डो ऑप्शन सी यदि कॉस्ट थीटा बराबर ए बटे बी कॉस् थीटा बराबर लंबा टक्न सॉरी कोस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंबा टक्न कोस्ट थीटा बराबर तो कोस होता है आधार बट कर्न तो टें थीटा बराबर होता तो है लंबे आधार तो इस तरह से इनके मान निकाल लेंगे निकाल करके रख देंगे तो हमें ऑप्शन बी प्राप्त हो गया अंडर उड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की के अंतरिक्ष के जन्मदाता किसे जा, माना जाता है डॉक्टर पंचानन महेश्वरी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा डॉक्टर विक्रम सारा भाई डॉक्टर ए जे अब्दुल कलाम तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम सारा भाई पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी शादी कली समिति के संथानन समिति अशोक मेहता समिति जी बी के राव समिति तो इसकी हम बाउंस देते हैं चलो अगला प्रश्न एक पंक्ति में रोमा बाई ओर से आठवीं है तथा अमन दाई ओर से सातवें हैं जब वे आपस में अपना स्थान बदल कर लेते हैं तो अमन दाई ओर से ग्यारहवें हो जाते हैं तथा रोमा का स्थान बाई ओर से क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप इसको हल करेंगे तो ऑप्शन डी मिलेगा यानी बारहवा स्थान मिलेगा चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट किशनगढ़ की फलकू किस नृत्य से संबंधित है चरी चक्री तेरे ताली, कालवेलिया इसका आंसर हो जाए किशनगढ़ चक्री सॉरी चरी चरी नृत्य से संबंधित है फलकूबाई युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है दिगु कर्मधारे बहुबरी अव्यभाव समास करेक्ट ऑप्शन सी बहुब्री हो जाएगा दोस्तों मैं थक गया बहुत ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बटा छः ऑप्शन बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है लॉजिकल गेट का उदाहरण है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एक्स ओ आर ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है पाँच दो तीन चार ऑप्शन बी दो एक चौदह वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को पाँच मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ता विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित हैं इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना पड़ेगा भैया वो तो हमारी सबकी स्थिति है विद्यार्थियों की निकट दृष्टि दोष अवतः लेंस ऑप्शन बी होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों ये हमारे अंतिम प्रश्न है वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लास्ट तक रुके हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए हम तीन प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं और अपना पेपर कंप्लीट करते हैं मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है छप्पर पर फूसने होना काठ का उल्लू होना आग लगने पर कुआं खोदना चादर से बाहर पैर पसारना तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग लगने पर कुआं खोदना ऑप्शन सी अगला राजस्थान के किस जिले में हैवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है हेवल्स इंडिया जयपुर अलवर अजमेर कोटा ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस यानि कि अनु प्लस एसन अन्वेषण ऑप्शन बी हो जाएगा तो साथियों ये थी सॉरी सो, बी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यण संधि है ऊ को मार बकरवा कर दो तो ऊ का वे हो जाएगा तो ऑप्शन डी आएगा सण तो साथियों ये थे हमारे पूरे कंप्लीट प्रश्न सेकंड शिफ्ट के सीईटी के ट्वेल्थ लेवल के थे टेन प्लस टू तो साथ ही ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को प्रेस कर दें आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी थक चुका हूँ और अब मैं भी जय श्री कृष्णा जय श्री राधे